मैं तो बोलूंगी आप सब यहाँ ही आइए डॉक्टर के पास। ओह माय गॉड, आई नेवर बिलीव कि मेरा 3 दिन में इतनी सॉफ्टली, आई एंजॉयिंग इट नाउ ईटिंग फूड एंड विद द टेस्ट। और नैना जी का भी थोड़े दिनों में बर्थडे है, तो उनको एडवांस में हमने हैप्पी बर्थडे और यंग स्माइल दे दिया। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रोहन वीरानी हियर, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ है 70 इयर्स ओल्ड यंग पेशेंट नैना जी, जो जस्ट 1 हफ्ते 10 दिन पहले मेरे पास आए थे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो निकालने डालने वाला डेंचर बनाया, 2-3 बार बनाया, वो उनको सूट नहीं हुआ। 1-2 उन्होंने इम्प्लांट्स भी करवाए लेकिन वो कुछ रीज़न से सक्सेस नहीं हुए, और फिर एक काफ़ी टाइम से वो ठीक से खा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यू, डाइजेशन इश्यूज भी आ रहे थे, स्माइल भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो मेरे पास आए और हमने उनके स्विस बेजल इम्प्लांट्स टेक्निक से मैं बोल सकता हूँ 1-3 विजिट के अंदर कंप्लीट एक परफेक्ट स्माइल दिया। उनके जो पहले के इम्प्लांट्स का इश्यू है वो भी सॉल्व कर दिया, और साथ साथ में कंप्लीट एक नया स्माइल दिया। नैना बहन, सबसे पहले सबको हाय बोल दीजिए और एक स्माइल दिखा दीजिए नैना बहन। एवरीबॉडी हेलो टू यू, थैंक यू थैंक यू। और नैना बहन के जो है साथ में उनके रिलेटिव, जस्ट अच्छा, आपने नैना बहन का जो डिसीजन लिया वो सबकी, क्योंकि क्या है ये एज में लोग डरते हैं कि 50-60 के बाद में इम्प्लांट्स नहीं करने चाहिए, पेनफुल होगा, तो एक क्विक खाली 2 लाइंस में आपका क्या प्रॉब्लम था और क्या एक्सपीरियंस है प्लीज आप बताइए। इन्होंने 2-3 बार डेंचर्स लगाए थे, उनके इम्प्लांट्स भी 2 बार किए थे। शी इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, उन्होंने वहाँ पे करवाया था इम्प्लांट, और वहाँ से डेंचर मतलब उनको परफेक्ट बैठ नहीं रहा था, तो वी कॉल्ड हर हियर एज वी न्यू डॉक्टर, वी हैड डन फ्यू थिंग्स विद हिम अर्लियर ऑल्सो, so we just suggest he did the x-ray, और उन्होंने जिस तरह से बोला था उन्होंने 3 दिन में denture बिठा दिया, and now her smile is back. back nice, and you have to trust the Indian doctors. तो जैसे मैडम ने बताया कि नॉट, ये मैं गवर्नमेंट या ईगो से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स पे काम कर रहे हैं और डिफिकल्ट लेवल का काम कर रहे हैं। तो जैसे मैडम ने खुद बताया, टेक्नोलॉजी अभी भी बॉम्बे में, मुंबई में आ गई है, अभी yes. इंडिया में टेक्नोलॉजी काफी आ गई तो है, तो जरूरी नहीं आप यूएस तक जाइए, और एक हो सकता है कि अगर यूएस के डॉक्टर्स आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो इंडियन डॉक्टर्स पे भरोसा रखिए। नैना जी पहले आप सबको फिर खा के भी दिखाइए, लेट्स सी आप कैसे खा रहे हैं। तो आप जब खा रहे तो कैसे आपको, नॉर्मल लग रहा है, क्या लग रहा है? एकदम नॉर्मल, एंजॉय कर रहे हैं? यस। चलो तो आपके एज के जो लोग हैं, जो लोग डर रहे हैं, उनको आप क्या फाइनल क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बोलूंगी आप सब यहाँ ही आइए डॉक्टर के पास। ओह माय गॉड, आई नेवर बिलीव कि मेरा 3 दिन में इतनी सॉफ्टली, आई एंजॉयिंग इट नाउ ईटिंग फूड एंड विद द टेस्ट। और नैना जी का भी थोड़े दिनों में बर्थडे है, तो उनको एडवांस में हमने हैप्पी बर्थडे और यंग स्माइल दे दिया है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस माय डॉक्टर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नैना बहन, थैंक यू सो मच।